माजिद हैदरी साहब आप हंस रहे हैं, उसने जैसा किया है देश की सुरक्षा से अगर खिलवाड़ है, अगर प्रोग्रेसिव सऊदी अरब जैसा मुल्क अगर बंद कर सकता है तो इसमें ऐसा मजाक क्या लगा आपको हरसिमरत सिंह साहब की बात में? नहीं, मैं पूरी कर लूं अपनी बात। सऊदी अरब के अल-सौद परिवार को मैं बता दूं कि सऊदी अरब से मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कानून चलता है, वहाँ बलात्कारी की गर्दन काटी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी बलात्कारी की गर्दन काटी जाए, शरीयत का कानून आए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि वैसा हो नहीं सकता, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, यहाँ पे शरीयत का कानून नहीं आ सकता। तो मैं आपको बता दूं, ये जो तबलीगी जमात है, जो हमारे देश की तबलीगी जमात है, 1927 में बनी और इस तबलीगी जमात ने देश की आजादी में किया, देश को आजाद कराने में अपना काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी दो दिन पहले आरएसएस ने ये वचन लिया है कि भारत के मुसलमानों को हिंदू बनाया जाएगा। तो अगर बैन किसी को इस देश में करने की जरूरत है तो आरएसएस को करने की जरूरत है। आरएसएस का नाम अलकायदा से, लश्कर से, बिल्कुल गलत, आप गलत खबर मत फैलाइए, अलकायदा से, झूठ बोल रहे हैं, लंदन ब्लास्ट से, ग्लासगो अटैक से, ये तमाम जगह से आरएसएस के नेता ने नहीं कहा कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जाएगा। आरएसएस मुक्त भारत बनाने की जरूरत है, आरएसएस मुक्त भारत होना चाहिए, मानवता की हत्या करना, शांति खुशहाली आई। किस प्रकार से आरएसएस को तबलीगी जमात से जोड़ेंगे या सऊदी अरब नेता ने हम तो बिल्कुल जोड़ेंगे। आरएसएस जो है उसका संघ परिवार के साथ रिश्ता है, हम लेकिन तबलीगी जमात का नहीं, तबलीगी जमात के रिश्ते अलकायदा से सामने आए। मैं आपको जरा पढ़ के जरा फैक्ट्स बता देती हूँ, जरा फैक्ट्स की बात कीजिए, सुनिए, जरा सुन लीजिए अभी शांति से। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल ने कहा है कि तबलीगी जमात और टेरर आपस में इनका कनेक्शन है। तबलीगी जमात पाकिस्तान के हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में तीन कट्टरपंथी संगठनों में तबलीगी जमात का जिक्र आता है। अमेरिकी संगठन द फंड फॉर पीस कह रहा है कि स्पेन के 2008 के ब्लास्ट में तबलीगी जमात के लोग शामिल थे। तो अब आप बता दीजिए, जर्मनी, नीदरलैंड, हर जगह तबलीगी जमात और आतंक को जोड़ के देखा जाता है। ये सारे फैक्ट्स इनको झुठला दीजिए फिर आप। जब आतंकियों के डेटा खंगाले गए सऊदी अरब में भी, तब पता चला ये तबलीगी से जुड़े हुए थे, इसीलिए बैन आया है पटेल ने, क्योंकि आतंक का हिस्सा माना गया था आरएसएस को। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, अभी मौजूदा हालात में मैंने पूरी फेहरिस्त पढ़ दी आपके सामने, आपको सुनाई नहीं दिया, दोबारा पढ़ दूंगी। पता नहीं कहाँ से क्या चंडू खाने की राजनीति लेके आ गए हो आप। फिरोज बख साहब, आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, खुद एक बड़े स्कॉलर हैं, जरा इन लोगों को बता दीजिए कि इस्लाम के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता भी इन्हें मंजूर है? ठीक है, आपकी आरएसएस की आइडियोलॉजी से कोई दिक्कतें हो सकती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि देश की सुरक्षा को भी आप ताक पर लगा देंगे। हमारे देश के अंदर बैठा है चाइना, हमारे देश के अंदर। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ फिरोज बख साहब, इस्लाम के नाम पर क्या देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ मंजूर हो?